इन नेक्स्ट नाइन न्यूज, मैं हूँ आपकी होस्ट नैन्सी और आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ आज बॉलीवुड गॉसिप में। जानते हैं आप कि हम जब भी ये प्रोग्राम लेकर आते हैं तब हम यहाँ पर गॉसिप करते हैं बॉलीवुड की उन खबरों को लेकर जो इन दिनों खबरों में ही छाई होती हैं। दरअसल यहाँ पर हम एक ऐसी गॉसिप की बात करने जा रहे हैं जो पिछले दौरान काफी ज्यादा ही खबरों के बाजार में अपनी गर्माहट को बनाती दिखी। दरअसल हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं नेहा धूपिया और उनके पति अंगद बेदी को लेकर, जहाँ हर कोई जानता है कि नेहा धूपिया इन दिनों प्रेग्नेंट है। और नेहा जो है उन्होंने अपनी प्रेगनेंसी की खबर हालांकि काफी टाइम के बाद फैंस के सामने खोली थी। ये हर कोई जानता है कि काफी दिनों से ही जब उन्होंने शादी की थी अंगद से गुपचुप तरीके से, और ये शादी की खबर कानों कान किसी को पहुंची तक नहीं थी। सोशल मीडिया के थ्रू इन खबरों की सच्चाई सामने आई थी, इन खबरों का पता चला था, मगर प्रेगनेंसी के इतने टाइम के बाद आखिरकार नेहा धूपिया ने अपनी चुप्पी को तोड़ा है कि आखिरकार क्यों उन्होंने अपनी इस प्रेगनेंसी की खबर को छुपाया था। दरअसल तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे थे, तमाम तरह की बातें की जा रही थी। हर कोई ये कह रहा था कि नेहा ने जो उन्होंने शादी करने का फैसला लिया अचानक से, वो पहले से प्रेग्नेंट थी। मगर तमाम तरह की चीजें जब बोली गई, अंगद और नेहा दोनों ही इन तमाम सवालों को घुमाते हुए दिखाई दिए। मगर आखिरकार नेहा ने अपनी क्यों प्रेगनेंसी को छुपाया, किस चीज से वो डर रही थी, आज आप जानेंगे हमारे इस प्रोग्राम में। तो चलिए आपके इंतजार को खत्म करते हैं और दिखाते हैं अपनी ये खास रिपोर्ट। बॉलीवुड एक्ट्रेस नेहा धूपिया जो इन दिनों प्रेग्नेंट हैं, हर कोई ये जानता है। गुड न्यूज को नेहा धूपिया काफी दिनों से अपने फैंस के साथ शेयर भी कर चुकी है, मगर नेहा धूपिया ने फैंस से इस बात को छुपाया था। जहां पर फैंस ये कहते हुए दिखाई दे रहे थे, जहां पर खबरों में ये काफी आ रहा था कि नेहा प्रेग्नेंट है, तो वहीं नेहा ने अपनी इस खबर को फैंस से छुपाया। दरअसल नेहा ने अपनी प्रेगनेंसी की खबर को क्यों छुपाया था, आखिरकार 6 महीने तक नेहा धूपिया क्यों चुप थी, फाइनली उन्होंने अब चुप्पी को तोड़ा है। दरअसल पहले आपको बता दें कि बॉलीवुड एक्ट्रेस नेहा धूपिया ने 10 मई 2018 को अंगद बेदी के साथ शादी कर ली। दरअसल शादी इतनी जल्दी और अचानक हुई कि किसी को कानों कान खबर तक नहीं हुई। सोशल मीडिया के माध्यम से जब इस बात का खुलासा हुआ कि दिल्ली में हुई इस शादी के चंद महीनों बाद ही नेहा धूपिया प्रेग्नेंट है, जी हाँ, तमाम कयास लगाए जाने लगे। तमाम लोग ये कहते दिखाई दिए कि नेहा ने अचानक शादी अपनी प्रेगनेंसी की खबर से की है, मगर हाल ही में नेहा ने इस सवाल का जवाब दिया है। इतने लंबे वक्त तक अपनी प्रेगनेंसी की खबर पे खामोश आखिरकार नेहा क्यों थी। दरअसल यहाँ पर नेहा ने कहा कि मैं डरी हुई थी कि लोग मुझे काम देना बंद कर देंगे। ये बहुत अच्छी बात थी कि 6 महीने तक मेरा बेबी बम नहीं नजर आ रहा था। ऐसा इसलिए भी क्योंकि इस इंडस्ट्री में अपीयरेंस मायने रखता है। साथ ही साथ नेहा ने कहा कि किसी को लग सकता है कि वो काम को लेकर अनफिट है, लेकिन मेरी एनर्जी लेवल अभी भी हाई है। नेहा ने कहा कि वो उन महिलाओं के खिलाफ नहीं है जो प्रेगनेंसी में छुट्टी लेती हैं। उन्होंने कहा कि प्रेगनेंसी के दौरान भी काम करते रहना उनका निजी फैसला था। नेहा ने कहा कि प्रेगनेंसी के दौरान भी काम करती वो रहेंगी, कोई ट्रेंड सेट नहीं वो करना चाहती। कहीं ना कहीं काफी लंबे वक्त के बाद नेहा ने आखिरकार अपनी प्रेगनेंसी को लेकर चुप्पी तोड़ी। जहाँ पर 6 महीने के बाद हर कोई तमाम तरह के कयास लगा रहा था सोशल मीडिया पर, इन खबरों का बाजार काफी ज्यादा गर्म दिखा, तो फाइनली नेहा ने इसके पीछे का रीजन बताया कि आखिरकार क्यों उन्होंने 6 महीने तक अपनी प्रेगनेंसी को छुपाया। जहाँ पर 10 मई को नेहा शादी के बंधन में बंधी थी, 10 मई के बाद नेहा प्रेग्नेंट थी, उन्होंने ये खबर किसी को नहीं बताई। कहीं ना कहीं उनके मन में डर था कि शायद लोग उन्हें काम नहीं देंगे। ऐसे में आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर पहले से ही कयास लगने शुरू हो गए थे। दरअसल हाल ही में
13 अगस्त मालदीव से अपनी छुट्टियों को एंजॉय करने गए थे, जहां पर मालदीव की कुछ तस्वीरें सामने आई थी जहां पर नेहा अंगद के पीछे छुपती हुई दिखाई दी। कहीं ना कहीं जहां पर ये कयास लगाए जा रहे थे कि नेहा प्रेग्नेंट है, तो ऐसे में नेहा ने फाइनली मालदीव से वापस आने के बाद अपने ट्विटर हैंडल पर इस गुड न्यूज को फैन से शेयर भी किया। आपको बता दें कि नेहा इन दिनों नॉन फिल्टर नेहा सीजन 3 के सेट पर दिखाई दे रही हैं, जो नेहा का ये प्रोग्राम है जहां पर बॉलीवुड के तमाम सितारों को भी देखा जा रहा है, जहां पर हाल ही में नेहा के पति अंगद बेदी भी यहां पहुंचे थे, काजोल को यहां पर देखा गया और बॉलीवुड के तमाम सितारे भी यहां पर शिरकत लेते दिखाई दे रहे हैं। अब उनके शो पे कौन कौन पहुंचा, किस अंदाज में नेहा दिखाई दी, अब आप देखेंगे हमारे इन वीडियोस में। काजल भी आप थोड़ा ज्यादा पीछे लो ना, भाई आपके राइट से वेल फ्रेंड्स, आपने देखा बॉलीवुड गॉसिप में जहां हम बात कर रहे थे आपकी फेवरेट एक्ट्रेस नेहा धूपिया और उनके पति अंगद बेदी को लेकर, आपने जाना कि आखिरकार वो कौन सा डर है जो नेहा को काफी ज्यादा सताता हुआ दिखाई दिया। जी हां, यानी कि नेहा ने अपनी प्रेगनेंसी की खबर को जब छुपाया तो उन्होंने अब एक्सेप्ट भी किया है। उनका कहना है कि वो लकी रही कि 6 महीने तक उनका बेबी बम्प सामने नहीं आया, मगर जैसे बेबी बम्प सामने आने लगा उन्होंने फैन से इस बात की जानकारी को साझा किया। उनके मन में एक डर था कि अगर वो बता देंगी कि वो प्रेग्नेंट है तो उन्हें काम मिलना बंद हो जाएगा। जी हाँ, उनका कहना है कि प्रेगनेंसी में अक्सर ही वुमेन्स जो होती हैं वो काम नहीं करती, वो उनका अपना पर्सनल परसेप्शन है, मगर ये मेरा अपना परसेप्शन है कि मैं प्रेगनेंसी में भी काम करना चाहती हूँ। उन्होंने कहा कि मैं कोई ट्रेंड सेट नहीं कर रही हूँ, बस मुझे काम करना है तो मुझे काम करते रहना भी है। और अक्सर ही उनका कहना है कि लोग कहते हैं कि जब आप प्रेग्नेंट होते हैं तब आप में काफ़ी कमज़ोरी आ जाती है या फिर आप ज़्यादा मेहनत ना करें। उनका कहना है कि मेरा जो लेवल है वो और हाई हो चुका है। इस डर के कारण उन्होंने अब तक फैन से अपनी प्रेगनेंसी की खबर को छुपा रखा था। यकीनन काफ़ी हैरान भी करने वाला है, क्योंकि कितनी बारी जब नेहा को अवार्ड शोज में देखा गया तब नेहा से इस बारे में सवाल भी पूछा जाता था और नेहा इन जवाबों को झूठे तरीके से देती भी दिखाई दी। अंगद की अगर बात करें तो अंगद ने साफ इनकार ही कर दिया था कि ऐसा कुछ है ही नहीं। तमाम तरह के अफवाहें आ रही थी, मगर उस बीच किसी को पता ही नहीं लगा, कोई कन्फर्म ही नहीं हो पा रहा था कि नेहा सच में प्रेग्नेंट है या फिर ये महज अफवाहें ही है। मगर फाइनली जहाँ पता चल गया है कि नेहा धूपिया
प्रेग्नेंट हैं, बेहद ही जल्द गुड न्यूज देंगी वो। तो उसी के साथ ही साथ आज फाइनली उनकी इस बात का भी खुलासा हो गया कि क्यों उन्होंने अपनी प्रेगनेंसी की खबर को छुपा रखा था। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या फिर स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।